नमस्ते, स्वागत है आप सभी का परफ्यूम मेकिंग कोर्स में। आज का हमारा सेशन है Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर, आपके सवाल मेरे जवाब। सेशन चालू करें उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों के मैसेजेस आए और जैसा कि आपने उन्हें बताया कि आपकी 80-90% डाउट्स क्लियर हुए और आपको बहुत अच्छा लगा परफ्यूम मेकिंग कोर्स की जर्नी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके किसी काम आ सका। जिन लोगों ने मैसेज नहीं करे, कृपया थोड़ा सा समय निकाल के अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। अच्छा लगा, बुरा लगा, बेकार लगा, यूजलेस लगा, जो भी हो आप बताइए, आगे चल के हम मिलके इस पे सुधार करेंगे। बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब मैं ऑलरेडी उनको व्हाट्सएप पे दे चुका हूं। जो भी यूनिक सवाल थे, मतलब आपके अपने सवाल थे, जो कंफ्यूजन्स थी वो मैं दूर कर चुका हूं। बहुत सारे लोगों के कॉमन सवाल थे, उनमें से मैंने कुछ चार सवाल सेलेक्ट किए हैं, वही उसी पे आज हम अपना Q&A सेशन रखेंगे। तो वो चार सवालों में से मैं आपको बता देता हूं, चार सवाल मैंने सेलेक्ट करे। सबसे पहला मैंने सेलेक्ट किया ब्लेंडर। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है ब्लेंडर क्या होता है, वो यूज क्यों करते हैं, वो कहां यूज करते हैं, उसको पहचानते कैसे हैं, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। दूसरा एसेंशियल ऑयल के अल्टरनेटिव्स पूछे गए हैं मुझसे, हम इस पे बात करेंगे। तीसरा एकॉर्ड के बारे में पूछा गया था। एकॉर्ड का हमने परफ्यूम मेकिंग कोर्स में सेशन नहीं रखा था, बिकॉज उसका एक डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूं, जो कि दो पार्ट में और एक से सवा घंटे का है, इसलिए मैंने उसको कोर्स में नहीं रखा था। बट चलिए आज हम इस बारे में बात करेंगे। और चौथा ऊद के बारे में। ऊद वुड बनाना हमने सीखा था, एक सेशन था पूरा, उसमें कुछ मटेरियल था जो कंफ्यूजन था या मिल नहीं रहा है और जो भी एक्स वाई जेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आज हम एक नए तरीके से ऊद वुड बनाएंगे, ऊद मुखल्लत बनाएंगे, ब्लैक अफगानो भी बनाएंगे, ठीक है, वो सब आज हम इसी में करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना परफ्यूम मेकिंग सेशन ब्लेंडर्स। ब्लेंडर्स क्या होते हैं? जिस भी किसी मटेरियल का या मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा प्रोफाइल होते हैं, 2, 3, 4, 5 प्रोफाइल होते हैं, वो ब्लेंडर के तौर पे यूज होता है। फॉर एग्जांपल लीनालील एसीटेट। अब वो जो साइट मैंने आपको नोयो मटेरियल ने बताई थी, जब हम वहां पे लीनालील एसीटेट टाइप करेंगे तो वहां पे उसका ऑर्डर प्रोफाइल आता है। तो आप उसके ऑर्डर प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको कुछ चीजें दिखेंगी, जैसे कि उसकी खुशबू के बारे में बताया गया, जैसे ग्रीन घास की खुशबू हो गई, सिट्रस ही हो गई, बार्गमोट, लेवेंडर, वुडी। लीनालील एसीटेट में ये सारे प्रोफाइल मिलते हैं, जैसे कि मैंने बोला एक से ज्यादा प्रोफाइल वाली चीजें। अगर आप सिड्रॉल मान लीजिए ले रहे हैं, सिड्रॉल को आप देख रहे हैं, तो सिड्रॉल में से सीडर वुड के ही एलिमेंट्स आएंगे, बट यहां क्या है, लीनालील एसीटेट के अंदर आपको बार्गमोट भी मिल रहा है, लेवेंडर भी मिल रहा है, वुडी मिल रहा है, सिट्रस भी मिल रहा है, ग्रीन भी मिल रहा है, यहां आपको 5 प्रोफाइल्स मिल रहे हैं, तो इसलिए इसको हम एज अ ब्लेंडर यूज करेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे चल रहे हैं, इसको यूज कैसे क्यों किया जाता है, इसका काम क्या होता है ब्लेंडर का, ठीक है। मान लीजिए आपने एक परफ्यूम में टॉप नोट में सिट्रस लिया और मिडल नोट में आपने फ्लोरल ले लिया, ठीक है, ब्लेंडर आपके परफ्यूम को कंप्लीट करता है, यूनिफाई करता है, या ये कह लीजिए ये एक ब्रिज होता है, ये एक ब्रिज होता है जो आपके जो मटेरियल आपने डाले हैं उनके ग्रुप को जोड़ता है, ठीक है, ये उनको जोड़ के एक आपके परफ्यूम को कंप्लीट करता है। कहीं से आपका परफ्यूम लैक हो रहा है, जैसे मैंने आपको ट्रायंगल बताया था, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, सॉरी ट्रायंगल नहीं तो कुछ और ही बन गया, एक ट्रायंगल है मान लीजिए, ठीक है, आपने बनाया है तो सही, लेकिन आपने तरफ से डाला है कि ऐसे जा रहा है, ये ट्रायंगल पूरा नहीं हो रहा,
ठीक है, जब आप इसके अंदर ब्लेंडर डालेंगे तो ये आपका ट्रायंगल पूरा हो जाएगा, यहां से हट जाएगा, एक ट्रायंगल पूरा हो गया और आपका परफ्यूम कंप्लीट हो गया। तो ब्लेंडर्स का ये काम होता है। ठीक है, और कौन सा ब्लेंडर होता है? एक और ही बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया ब्लेंडर होता है, जेरेमियोल। जेरेमियोल ठीक है, इसकी कैसी होती है? स्वीट होता है, ठीक है, फ्लोरल होता है, फ्रूटी होता है, सिट्रसी होता है इसके अंदर, ठीक है, और रोजी रोजी खुशबू भी होती है, तो फ्लोरल मैंने लिख ही दिया, फ्लोरल होता है। तो इसमें भी आप चार प्रोफाइल देखेंगे, स्वीट, फ्लोरल, फ्रूटी, सिट्रसी। तो ये भी एज अ ब्लेंडर होता है। ये भी आप कोई आपने मान लीजिए परफ्यूम बनाया सिट्रसी और फ्रूटी तरीके का, ठीक है ना, तो ये वहां पे काम आएगा। ठीक है, स्वाज में बहुत अच्छा काम आता है इसका, जेरेमियोल का, उसमें एलमी होती है और टॉप में बर्गमोट है, तो वहां बहुत अच्छा काम आता है ये। ठीक है, इस तरह से ये आपका ब्लेंडर काम आता है, वो एक ब्रिज की तरह काम करता है। लिनालॉल आपका एक बहुत अच्छा ब्लेंडर है, ठीक है, डीएचएम, डीएमबीसीए, ये सब आप कैसे देखेंगे? आप उस साइट पर जाएंगे, डालेंगे, आपके सामने ऑर्डर प्रोफाइल आएगा, आप देखेंगे कि इसमें तीन चार अलग अलग तरीके की खुशबू आ रही है एक ही मटेरियल में, तो आप इसे एज अ ब्लेंडर यूज करते हैं। थोड़ा सा जाता है लेकिन ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। आप अपने हर परफ्यूम में इन चार पांच चीजों को यूज कर सकते हैं बेधड़क बेझिझक, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। ये आपके परफ्यूम को यूनिफाई करेंगे, आपके परफ्यूम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे ब्लेंडर्स। अब हम बात कर लेते हैं एसेंशियल ऑयल की। एसेंशियल ऑयल का अल्टरनेटिव देखिए, कोर्स में भी आपको बताया था, मदर नेचर द्वारा दी गई कोई भी चीज हम नहीं बना सकते जैसे मदर नेचर ने हमें दी है, हम उसको सिर्फ कॉपी कर सकते हैं, ओरिजिनल ओरिजिनल ही रहता है। एसेंशियल ऑयल का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। अरोमा केमिकल्स हैं बट उनमें एरोमेटिक कह सकते हैं या केमिकली खुशबू भी आती है। आप कितने से कितना महंगे से महंगा टॉप क्वालिटी का भी डाल लेंगे, उसमें भी केमिकली खुशबू आएगी, लेकिन अगर आप ओरिजिनल एसेंशियल ऑयल स्मेल आउट करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर आप रोज का कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ रोज स्मेल आउट करेगा, कोई किसी तरह का केमिकल यूज नहीं होता। ठीक है, दूसरी तरह से मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैं जब मेट्रो में ट्रेवल करता हूं तो कई बार मैं मेट्रो के अंदर जैसे गेट बंद होता है और जैसे मैं उसके अंदर जा रहा हूं, गेट खुला तो एकदम से मुझे चक्कर सा आ जाता है। बहुत सारे लोग वो 200-300 रुपए वाला डीओ लगा के आए हुए होते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा केमिकली होता है, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल होते हैं वो। तो वो क्या होता है कि जब वो गेट बंद होता है और वो डब्बा बंद होता है मेट्रो का, तो उसके अंदर एक तरह से गैस सी बन जाती है, और जैसे ही वो खुलता है तो एकदम जो अंदर घुस रहा है सबसे पहले उसके मुंह पे वो गैस पड़ती है। ठीक है ना, केमिकल की गैस पड़ती है, तो आपको पता लग जाएगा कि भैया इस डब्बे में किसी ने 200-300 वाला घटिया सा डिओड्रेंट लगाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप अपने परफ्यूम में एक अलग नेचुरल और रियल थिंग डालना चाहते हैं, तो अगर आप मान लीजिए सिड्रॉल डाल रहे हैं तो दो बूंद सीडर वुड ऑयल डाल दीजिए, रोज का अकॉर्ड डाल रहे हैं तो दो बूंद ओरिजिनल रोज डाल दीजिए, तो इससे क्या होता है कि आपका परफ्यूम रॉयल लगेगा, आपका परफ्यूम में जान आ जाएगी और वो चीप केमिकली वाला परफ्यूम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये एसेंशियल ऑयल की पावर होती है। थोड़े थोड़े जाते हैं लेकिन इनका कमाल जबरदस्त होता है, दो बूंद, पांच बूंद, सात बूंद, इस तरह से ही जाते हैं। ये एमएल वेमएल में नहीं डालते, अगर आप ये एमएल में डालेंगे तो आपके पूरे परफ्यूम को खा जाएंगे ये। जैसे मैंने आपको अपना कोर्स में पूरा एक सेशन था एसेंशियल ऑयल फिक्सेटिव, उसमें मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। ठीक है, तो एसेंशियल ऑयल का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये आपके अरोमा केमिकल्स को और बेहतर करते हैं, ओरिजिनल नेचुरल की तरफ लेके जाते हैं, तो इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं एकॉर्ड्स की। एकॉर्ड क्या होते हैं? मिक्सिंग ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 मटेरियल्स मेक्स अ न्यू नोट, मतलब 2, 3, 4, 5 अपने मटेरियल लिए और उसे आपने एक नया नोट बनाया,
उसको हम एकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक वीडियो मैंने डाला हुआ है जैस्मिन का और रोज एकॉर्ड का, सॉरी परफ्यूम का बनाने का, तो उसके अंदर हमने पहले एकॉर्ड बनाया था, फिनल इथल एसीटेट, फिनल इथल एल्कोहल, सिट्रोनॉल, जिनिनॉल, है ना, इसका हमने एकॉर्ड बनाया था। तो वो एक नोट था और फिर उस नोट के चारों ओर हमने एक मॉडिफायर, ब्लेंडर, फिक्सेटिव डाल के मुकम्मल कंप्लीट परफ्यूम बनाया था। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको हम एकॉर्ड कहते हैं। दो तीन चार पांच मटेरियल मिला के जब एक खुशबू बनती है उसको हम नोट कहते हैं, उस नोट को हम एकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने अगर लेदर की खुशबू लानी है अपने परफ्यूम में, लेदरी खुशबू, तो आप क्या डालेंगे? ठीक है, लेदर परफ्यूम, सॉरी लेदर नोट बनाने के लिए आप डालेंगे कैस्टोरियम, ठीक है, लैबडेनम, आर्टिमिशिया, ठीक है, और इंडोल पाउडर। इंडोल पाउडर, ये चार चीजें मिला के आप एक एकॉर्ड बनाएंगे और इसकी स्मेल एनिमेलिक लेदरी होगी। ठीक है, फ्लोरल, अगर लेदर में तो इसके अंदर फिनालिथर एसीटेट मिला दीजिए तो फ्लोरल लेदरी आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से आप एकॉर्ड बनाते हैं और फिर इसके चारों ओर आप अपना परफ्यूम का एक मटेरियल से एक परफ्यूम बनाते हैं। याद रखिएगा हमेशा, रिमेंबर दिस थिंग कि ये नोट है, ये आपका परफ्यूम नहीं है, ये आपका परफ्यूम में एक नोट की तरह काम करेगा एकॉर्ड। कई लोग मुझसे ये सवाल कर रहे थे व्हाट्सएप पे कि एकॉर्ड परफ्यूम होता है, आपने वो नहीं बताया, परफ्यूम एकॉर्ड नहीं बताया। भाई साहब, एकॉर्ड जो होता है वो एक नोट होता है, वो परफ्यूम नहीं होता, वो परफ्यूम में काम आने वाला एक नोट होता है जिससे टॉप, मिडल और बेस होता है। बेस नोट में हम लेदर का एकॉर्ड डालते हैं और उसके साथ हम एम्ब्रोक्सन भी यूज करते हैं, उसके साथ हम वेनिला भी यूज करते हैं, सीडर वुड भी यूज करते हैं और पचौली भी यूज करते हैं और बहुत सारी चीजें मिला के हम फिर एक परफ्यूम बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये चार चीजें डाल के एक परफ्यूम बनाते हैं, नहीं, ये चार चीज डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, बदबू आएगी, वो भयंकर वाली एनिमेटिक बदबू आएगी। ठीक है, तो इसको हमें बैलेंस करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर चीज को हमें बैलेंस करना है। अगर हम बहुत हार्ड चीज ले रहे हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा एनिमेलिक स्मेल आएगी, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम वेनिला डालेंगे, या हम उसको बैलेंस करने के लिए पचोली डालेंगे, एक वुडी नोट डालेंगे। इस तरह हम इसको बैलेंस करते हैं और फिर हम एक परफ्यूम बनाते हैं। ये परफ्यूम नहीं होता, ये एकॉर्ड होता है, ये एक नोट होता है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि परफ्यूम नहीं होता, ये सिर्फ एक नोट होता है, इसको हमें मिला के, मेटीरियल मिला के एक परफ्यूम बनाना पड़ता है। ठीक है, बाकी और ज्यादा क्लियरिटी चाहिए तो आप मेरा वो वीडियो है एकॉर्ड्स का, वो देख लीजिए, वो सवा घंटे का वीडियो है, उसमें आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। बाकी इससे अच्छी क्लैरिटी कोई नहीं दे पाएगा मुझे लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऊद की।